Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar board book Blossom of class 5th. Lesson 8, The Arab and his Camel. प्यारे बच्चों, इस लेसन में एक जानवर की कहानी दी हुई है कि किस तरह से उसका मालिक उसके साथ व्यवहार कर रहा है। आइए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें अपने जानवरों के साथ, अपने पेट्स के साथ या अदर जानवरों के साथ, दूसरे जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। लेसन 8, द अरब एंड हिज कैमल, अरब और उसका ऊंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स, आप लोगों में से कितने लोगों के पास पालतू जानवर है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, आपके पेट का नाम क्या है। हाउ डू यू ट्रीट इट, आप उसके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। हाउ डस योर पेट रिस्पॉन्ड वेन यू लव इट और आर एंग्री विथ इट। कह रहे हैं कि आपका पेट, आपका पालतू जानवर, आप जब उसे प्यार करते हैं तो वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स देता है, मतलब जवाब में वो कैसे करता है, और अगर आप गुस्सा होते हैं तो वो कैसे करता है। इट वॉज विंटर टाइम एंड द विंड वॉज कोल्ड। इट वॉज विंटर टाइम का मतलब होता है विंटर टाइम, ठंडी का समय था। एंड द विंड वॉज कोल्ड, विंड हवा, वॉज कोल्ड ठंड थी, कैसी थी, ठंड थी। जाड़ा का समय था और जाड़े के समय में हवा ठंडी होती ही है, तो जाड़ा का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डेसर्ट ऑन हिज कैमल, एक अरब अपने ऊंट पर डेसर्ट को पार कर रहा था। डेसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान को पार कर रहा था। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब पार करना। एक अरब अपने ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान को पार कर रहा था। एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, संध्या के समय, ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। संध्या के समय वो अपने ऊंट से नीचे उतरा और रोड के किनारे, रोड साइड मतलब रोड के किनारे, उसने अपने टेंट को पुट अप किया, टेंट को डाल दिया। द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, टेंट दोनों के लिए बहुत छोटा था। बोथ ऑफ देम मतलब दोनों के लिए, टू स्मॉल बहुत छोटा। द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, टेंट दोनों के लिए बहुत छोटा था। सो द अरब वेंट इन एंड लेफ्ट द कैमल आउटसाइड। सो इसलिए द अरब वेंट इन, अरब अंदर चला गया, वेंट इन अंदर चला गया। एंड लेफ्ट द कैमल आउटसाइड, लेफ्ट छोड़ दिया, कैमल आउटसाइड ऊंट को बाहर छोड़ दिया। द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, टेंट दोनों के लिए बहुत छोटा था। समियाना तंबू दोनों के लिए छोटा था, इसलिए अरब अंदर चला गया और अपने ऊंट को बाहर छोड़ दिया। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर टू आवर्स इन द कोल्ड। द कैमल ऊंट स्टूड आउट खड़ा रहा, स्टूड आउटसाइड तब बाहर खड़ा रहा। द टेंट, टेंट से बाहर, फॉर टू आवर्स दो घंटे के लिए, इन द कोल्ड ठंडक में। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर टू आवर्स इन द कोल्ड, ऊंट दो घंटों के लिए ठंडक में बाहर खड़ा रहा, दो घंटों के लिए। देन ही सेड टू हिज मास्टर, तब उसने अपने मालिक से कहा, मास्टर मतलब मालिक। देन ही सेड टू हिज मास्टर, तब उसने अपने मालिक से कहा, द अरब इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, उसने कहा, अरब यहाँ तो बाहर बहुत ठंडक है, आउटसाइड मतलब बाहर, यहाँ तो बाहर बहुत ठंडक है। आगे समझिए, मे आई पुट माई हेड एंड नेक इन साइड द टेंट, मे आई क्या मैं, परमिशन पूछ रहा है, यहाँ से उसको आज्ञा पूछ रहा है कि क्या मैं अपना
हेड, हेड मतलब होता है सिर, नेक मतलब गला। क्या मैं अपना सिर और गला टेंट के अंदर रख लूँ, शमियाने के अंदर कर लूँ, ये पूछ रहा है। द अरब सेड यस एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट। अरब ने हाँ कह दिया और शमियाने के तंबू के एक कोने में जाकर बैठ गया। मूव्ड, मूव्ड मतलब चला गया, कॉर्नर एक कोने में चला गया। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। कैमल ने अपना हेड और नेक टेंट के अंदर रख लिया। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मास्टर। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के बाद, ही सेड टू हिज मास्टर, वो अपने मालिक से कहा, माई हेड एंड नेक आर वार्म नाउ बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड। माई हेड एंड नेक, मेरा सिर और गला आर वार्म नाउ, अभी गर्म हो गया, मेरा सिर और गला अभी गर्म हो गया। बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड, लेकिन मेरे फ्रंट लेग्स का मतलब होता है सामने के दोनों पैर। माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड, मेरे सामने के दोनों पैर ठंड हो गए हैं। मे आई पुट देम इन साइड द टेंट। मे आई, फिर से यहाँ परमिशन पूछ रहा है, आज्ञा पूछ रहा है कि क्या मैं उनको टेंट के अंदर घुसा लूँ। द अरब सेड यस एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट। अरब ने हाँ कह दिया और वो टेंट के तंबू के एक कोने में चला गया। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट। कैमल ने अपने दोनों पैर टेंट के अंदर रख लिए। यहाँ पर देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ऊंट धीरे से टेंट के अंदर सबसे पहले अपना हेड और नेक रख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एन आवर ही अगेन सेड टू हिज मास्टर। एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर ही अगेन सेड टू हिज मास्टर, फिर से, अगेन का मतलब होता है फिर से, वो अपने मालिक से कहता है, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इन साइड द टेंट एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड। हाफ ऑफ माई बॉडी, आधा बॉडी टेंट के अंदर है, द टेंट एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड, और आधा इसके बाहर है, ऑफ इट इसके बाहर, आउटसाइड। आई कांट शट द डोर एंड द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट। आई कांट शट द डोर, मैं दरवाजा बंद नहीं कर सकता। एंड द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट। कोल्ड विंड, ठंडी हवा, कमिंग इन टू द टेंट, टेंट के अंदर, तंबू के अंदर आ रही है। आई कांट शट द डोर एंड कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट। मैं दरवाजा नहीं बंद कर सकता और ठंडी हवा टेंट के अंदर आ रही है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, हम दोनों को ठंड पकड़ लेगी, ठंड लग जाएगी। मे आई कम इन एंड शट द डोर, क्या मैं अंदर आ जाऊं और डोर बंद कर दूं। द अरब रिप्लाइड, अरब ने जवाब दिया, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। द अरब रिप्लाइड, अरब ने जवाब दिया, नो नो यू कांट कम इन, नहीं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों के लिए, टू स्मॉल बहुत छोटा। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। डिस्टर्ब का मतलब होता है बिल्कुल विचलित नहीं होना। मालिक ने क्या कहा कि नहीं आना है अंदर, लेकिन इससे वो परेशान नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। ही कामली रिप्लाइड, उसने एकदम शांति तरीके से जवाब दिया, यस आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, यस हाँ मैं जानता हूँ कि टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, आप इसके बाहर जा सकते हो। वॉक आउट ऑफ इट, इसके बाहर जा सकते हो। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, और इसके बाद उसने
कोई समय बर्बाद नहीं किया, यानी कि बिना समय बर्बाद किए ही उसने काम किया। क्या किया? He went in and pushed the Arab out of the tent. वो अंदर चला गया और pushed out. Pushed out का मतलब होता है कि उसको बाहर कर देना. Pushed the Arab out of the tent. और अरब को उसने बाहर धकेल दिया. Pushed का मतलब धक्का ही देना होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं होगा, बल्कि उसे बाहर कर दिया. Then he said to him. तब उसने उससे कहा. किसने कहा? ऊंट ने अरब से कहा. ओह, आर यू गोइंग आउट? ओह, क्या तुम बाहर जा रहे हो? पूछ भी रहा है. थैंक यू, धन्यवाद. यू आर ए काइंड मैन, तुम बहुत अच्छे आदमी, दयालु आदमी हो. प्लीज क्लोज द डोर, इट्स अ वेरी कोल्ड नाइट. प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए. इट्स अ वेरी कोल्ड नाइट, ये बहुत ही ठंड रात है. द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस. अब क्या होता है? अरब तो अब बाहर आ गया, तो वो बाहर में स्पीचलेस, निःशब्द. स्पीचलेस का मतलब होता है निःशब्द, बाहर निःशब्द खड़ा हुआ है. स्टूड आउटसाइड, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, आउटसाइड बाहर, स्पीचलेस निःशब्द बाहर खड़ा था अरब. प्यारे बच्चों, ये रही आज की कहानी, द अरब एंड हिज कैमल. आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी कठिन शब्द इसमें आए हैं उसको लिखेंगे, उसका हिंदी में अर्थ लिखेंगे और याद करेंगे. मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. हैव ए नाइस डे अहेड.